हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोरपुर जयपुर राजस्थान। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा याद है? जी हाँ, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पथ फलन, अवस्था फलन अर्थात तंत्र के फलन, फंक्शन ऑफ सिस्टम। तो चलिए, आप कॉपी और पेन साथ में ले लें और साथ के साथ में नोट्स अच्छे वाले बनाते चले, और कहीं पर भी किसी प्रकार की डाउट हो तो बिना झिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र के फलन, किसी तंत्र को परिभाषित करने के लिए कुछ क्या होते हैं? पद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? तंत्र के फलन। और तंत्र के फलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो होंगे अवस्था फलन और एक होंगे पथ फलन। प्रकार कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अवस्था फलन। स्टेट फंक्शन पथ फलन किसे कहते हैं? नाम से ही विदित हो रहा है। क्या विदित हो रहा है? कि अवस्था पर निर्भर करने वाले फलन क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन अर्थात तंत्र के वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि उस पथ पर जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, अवस्था फलन कहलाते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, नोट डाउन कर लें। तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन। क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन। यानी कि प्रारंभिक अवस्था क्या है और अंतिम अवस्था क्या है, प्रारंभिक अवस्था में उसकी पोजीशन क्या थी और अंतिम अवस्था में उसकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर? अवस्था फलन के बारे में, सॉरी अवस्था फलन की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं। वे फलन, या हम लिख सकते हैं तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि उस पथ पर जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है,
किया जाता है। क्या कराएंगे? अवस्था फलन। याद हो गई हुई डेफिनेशन। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो क्लास की क्लास में आपको याद हो जाए। अब ये इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं? जैसे ताप है, टेम्परेचर, और हो गया दाब, प्रेशर, और आयतन वी, और एंथैल्पी एच, और मुक्त ऊर्जा जी, और याद आ रहे होंगे एंट्रोपी। ये सारी जो भी वैल्यू है ये काम आएंगी आगे, ये दो यूनिट जो हम पढ़ेंगे उसमें ये सारी काम आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एंट्रोपी और गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा एक, और आंतरिक ऊर्जा नहीं लिखा ना, आंतरिक ऊर्जा ई एक्सेट्रा लिख देना, आपको जो और याद है वो लिखना एक्सेट्रा। सॉरी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? अवस्था फलन, न कि पथ फलन। अब अवस्था फलन होंगे ना, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, अवकलन भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसका हम समाकलन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे H है, ये सभी हो गए ना, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, अवकलन भी कर सकते हैं और समाकलन भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और इनमें परिमित मात्रा में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे डेल्टा टी देखा होगा आपने, या डी टी देखा होगा सूक्ष्म अंतर के लिए, और आपने ये देखा होगा क्या कि डेल एस डेल पी डेल ए एक्सेट्रा देखा होगा ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अवस्था फलन। अब यहां पर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डेल जी है तो जी टू माइनस क्या हो जाएगा, जी वन अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, क्या होगा, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो यहां पर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, डेल ई निकालेंगे तो ई टू माइनस ई वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई टू माइनस ई वन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, पथ फलन। पथ फलन किसे कहते हैं? वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। क्या कहलाएंगे वो? पथ फलन। और इसको कहेंगे पाथ, पाथ फंक्शन। ठीक है, अब कौन से होंगे ये, इसकी डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं, आप लिखिए ना, तंत्र के वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है।
क्या कहलाते हैं? पथ फल। उदाहरण एक तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा, जिसे हम क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दर्शाते हैं, और एक है कार्य डब्लू। ये दोनों ही क्या हैं? पथ फलन है, न कि अवस्था फलन। इसीलिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, डेल क्यू और डेल डब्लू। लेकिन हमारे सिलेबस में हम क्या करेंगे, इनको सुविधा के लिए हम क्या कर देंगे, इनको डी क्यू के रूप में और इसे डी डब्लू के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्यू है और डब्लू है, तो क्यू और डब्लू का अवकलन नहीं किया जा सकता, और डी डब्ल्यू का यहां पर क्या नहीं किया जा सकता, समाकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर ये है, ये अवस्था पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? पथ पर निर्भर करती है। इसीलिए यहां पर हमें मालूम है कि जो पथ पर निर्भर करते हैं उनका हम यहां पर क्या नहीं कर सकते, समाकलन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इनका अवकलन नहीं होगा और इनका समाकलन नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसीलिए ये वाले दोनों मान क्या कहलाएंगे, अयथातथ। अवकल, ये क्या कहलाएंगे, अयथातथ अवकल, ठीक है। और वो वाले क्या कहलाएंगे, यथातथ अवकल। कौन से? अवस्था फलन। क्या कहलाएंगे? यथातथ अवकल, ठीक है। यदि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ गया हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और एक बात विशेष ध्यान से सुन लें, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते चलें अच्छे वाले, और कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछें, ठीक है। दम लगा दो, जान लगा दो, और जी जान लगा के कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अच्छा करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।